ललितपुर जनपद न्यायाधीश अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मोहम्मद रियाज के निर्देश अनुसार प्रभारी सचिव डॉक्टर सुनील कुमार सिंह की अध्यक्षता में प्राइमरी पाठशाला थाना गांव माता टीला पर ललितपुर में बच्चों महिलाओं एवं वरिष्ठ नागरिकों को प्रदत्त निःशुल्क विधिक सेवा से संबंधित जानकारी उपलब्ध कराने एवं जागरूक करने हेतु विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए वक्तागण प्रभारी सचिव डॉक्टर सुनील कुमार सिंह, एडीएम न्यायिक लवकुश त्रिपाठी और जिला कारागार अध्यक्ष उदय प्रताप मिश्रा, सामाजिक कार्यकर्ता प्रोबेशन विनीत कुमार कोतवाल, तालबेहट मनोज कुमार वर्मा और एडीआईओ सुरेंद्र कुमार, अधिवक्ता रूप सिंह बुंदेला, बहादुर सिंह बुंदेला व जय सिंह बुंदेला तथा ब्रजनंदन चौबे पत्रकार द्वारा अवगत कराया गया कि सरकार एवं राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा बच्चों महिलाओं व वरिष्ठ नागरिकों को विभिन्न प्रकार की योजनाएं चलाई जा रही है, जिनके द्वारा यह वर्ग अपने आप को सुरक्षित महसूस करे एवं अन्य नागरिकों की भांति जीवन यापन कर सके। बच्चियों एवं महिलाओं के लिए सरकार द्वारा कन्या सुमंगला योजना, विधवा पेंशन, भरण पोषण योजना आदि सरकार द्वारा संचालित है। इन योजनाओं के बारे में शिविर में विस्तृत रूप से इसका लाभ पाने के संबंध में जानकारी प्रदान की गई। से उसका निस्तारण करवाना है, 10 तारीख को लोक अदालत लगने जा रही है 10 अप्रैल को, तो उसकी तैयारी अभी से शुरू कर दें। और मैं चाहता हूं कि मैक्सिमम जो है हमारे मुकदमे जो है ललितपुर के, और ये पूरे जो है ये संदेश पूरे यूपी में जाए, मुख्यमंत्री तक जाए कि कितने मुकदमे हम लोगों ने इसको रिजॉल्व किए। बहुत बहुत